हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी के लिए क्या कोटा जाना चाहिए। बच्चों के माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जब वो अपनी जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन का सोचते हैं। देखो, हर बच्चे का टारगेट होता है कि भाई उसको IIT में एडमिशन मिले, NIT में मिले, जो भी टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ से मौका मिले अपने कोर्सेज को करने का। तो हर स्टूडेंट चाहता है कि भाई उसका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं हो जाए डेफिनेटली और अच्छे पोजीशन पे वो पहुंचे। तो उस बच्चे के माइंड में आता है कि क्यों ना मैं एक अच्छा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करूं। और जब बात आती है जेईई एग्ज़ाम की या फिर नीट एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले जो नाम निकल कर आता है वो आता है कोटा का नाम। तो कोटा क्या जाना चाहिए बच्चे को, किस बच्चे को अवॉइड करना चाहिए, क्या वहाँ से ही सिलेक्शन मिलेगा, क्या अदर जगह से करेंगे तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसे जितने भी तुम्हारे कन्फ्यूजन हैं वो सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को तुम पूरा जरूर देखो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जब तुम्हारे माइंड में है कि तुम जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हो, जब तुम तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले बात आती है कि क्या तुमको कोटा जाना चाहिए। तो देखो, इसका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। देखो, अगर तुम बात कर रहे हो कोटा जाने की, तो कोटा में सबसे पहले तुमको एक चीज़ ये समझना होगा कि देखो, सिलेक्शन कोटा नहीं दिलाता है, सिलेक्शन दिलाता है फैकल्टीज़। तो देखो, अगर तुम कोटा जा भी रहे हो तो कोटा जाने के बाद एक अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो तुम इंस्टीट्यूट के पास्ट रिकॉर्ड से समझ सकते हो कि किस इंस्टीट्यूट ने अच्छी रैंक्स दिया है, ऑल ओवर इंडिया में कौन अच्छी रैंक्स दे रहा है। तो ये चीज़ तुम अच्छे से इंस्टीट्यूट के डेटा के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। और देखो, अगर तुम कोटा जा रहे हो और एक नॉर्मल से इंस्टीट्यूट में तुमने ज्वाइन कर लिया, तो मुझे लगता है कि भाई कोटा जाना तुम्हारा क्या है, बेकार हो जाएगा। अगर तुमको नॉर्मल से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तो इससे बेटर है कि तुम अपने सिटी के किसी वेस्ट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले बात यही आती है कि कोटा जाना चाहिए। तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम डेफिनेटली कोटा जाओ। अगर तुम्हारा बजट है, तुम पैसे अफोर्ड कर सकते हो, तुम डेफिनेटली कोटा जाओ। और अगर पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर तुमको लगता है कि मैं पैसे अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, उतनी फ़ीस नहीं दे पाऊँगा, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, अपने सिटी की जो लोकल कोचिंग होती है वहाँ पर स्टडी कर सकते हो। या फिर तुम उस कोचिंग की फ़ीस अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो तुम ऑनलाइन में कोर्स बाई कर सकते हो। ऑनलाइन में ऐसे इंस्टीट्यूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो आपको 3000 में, 4000 में, 5000 में कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखो, अगर तुम अपना टारगेट सेट किए हुए हो कि मुझको जेईई मेंस एडवांस देना है, और तुम चाहते हो बनना इंजीनियर, तुम चाहते हो तुम IITian बनना, तो तुम डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर सकते हो। पैसा तुम्हारी सक्सेस को नहीं रोक सकता है। देखो, जो बच्चे कम पैसे में होते हैं, जिनके पास पैसा वगैरह नहीं होता, जिनका फैमिली बैकग्राउंड वीक होता है, क्या वो सिलेक्ट नहीं होते हैं? वो भी डेफिनेटली सिलेक्ट होते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि जिसके पास मान लीजिए थोड़े कम रिसोर्सेज हैं, तो उसको मैथ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, और जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो वो थोड़ा क्या है, ईजिली सिलेक्शन पा लेता है। बस डिफरेंस इतना ही होता है सिलेक्शन में, और कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। लेकिन मेहनत की अगर हम बात करें, तो चाहे बच्चा पुअर फैमिली से हो या फिर रिच फैमिली से हो या मिडिल क्लास से हो, उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसी के बाद सिलेक्शन मिलेगा। बस पाथ में थोड़ा इजी किसी का हो जाता है, किसी का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये थोड़ा चीज़ें क्या है, वेरी करती हैं। तो देखो, मेन चीज़ है सिलेक्शन की। तुम जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, तो तुम्हारे माइंड में होता है सिलेक्शन, कि भैया सिलेक्शन हो जाए तो हमारा काम बन जाए। और सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बच्चे कोटा की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर एक हम कंपैरिजन करें कोटा का और अदर सिटी का, तो देखो ये ऑब्वियस सी बात तुम्हारे सामने निकल के आ जाएगी कि कोटा में वास्तव में अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स आपके अदर सिटी में नहीं हैं। तो इस कंपैरिजन के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जब अगर तुमको कंपेयर जब तुम चीज़ों को करते हो, तो तुम डेफिनेटली कोटा की तरफ जाओ। अब देखो, एक चीज़ और समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम कोटा जा रहे हो, कोटा जाने का सोच रहे हो, तो अपने माइंड में एक चीज़ ये बैठा लेना कि देखो, कोचिंग में तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि लाखों की संख्या में हर साल बच्चे कोटा जाते हैं, और उनमें से सभी का सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे फिर से वापस आते हैं। तो देखो, काफ़ी लोगों के माइंड में होता है कि भाई वो क्या करते हैं, अपना जैसे मान लो कोई चीज़ गिरवी रख देते हैं, या पैसे कहीं उधार ले लेते हैं, और फिर
करने के लिए जाते हैं। तो एक चीज़ ये भी साथ में अपने माइंड में रखना, जो बच्चे ऐस तरीके से लोन वगैरह लेते हैं या मान लो किसी से कर्जा वगैरह लेते हैं, तो अपने माइंड में ये ध्यान रखना कि कोटा जाने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारा हो ही जाएगा। तो जो भी ये तुम डिसीजन लेने वाले हो उसको सोच समझ के लो। देखो रिसोर्सेज की अगर हम आपसे बात करें तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, तुम्हारे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास ऑफलाइन रिसोर्सेज हैं। इसलिए मैंने तुमसे स्टार्टिंग में कहा था अगर तुम्हारा बजट अफोर्ड करता है तो तुम कोटा जाओ, अगर तुम्हारा बजट ही अफोर्ड नहीं करता तो कोटा के बारे में फिर मत सोचो, तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में सोचो जहाँ पर तुमको कोर्सेज 3,000-4,000 में मिल जाएंगे, पूरे साल का कोर्स हो जाएगा, और तुम या फिर लोकल कोचिंग के बारे में सोचो जहाँ पे फीस वगैरह के काफ़ी कम पड़ती है। क्योंकि देखो ये भी कहीं ना कहीं रियलिटी है कि भाई जो तुम कोटा जाते हो तो तुमको कोचिंग का फीस देना पड़ेगा पहली चीज़, दो चीज़ तुमको हॉस्टल का देना पड़ेगा, फिर तीसरी चीज़ तुम्हारे भी कुछ थोड़े बहुत खर्चे होंगे तुमको उनको भी बेयर करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें तुमको ही मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर तुम्हारे पेरेंट्स लोन वगैरह लेने की सोच रहे हैं या कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो इसके बारे में सोच समझ के सोचो, बिकॉज क्योंकि जैसे जब तुम कोई लोन वगैरह लेते हो तो कहीं ना कहीं उसको रीपे भी करना पड़ता है, उसको फिर पेमेंट भी करना पड़ता है। तो इसलिए चीज़ों को पहले समझो उसके बाद कुछ डिसीजन लो। देखो कोटा जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल सोच के मत जाओ कि मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोगों के माइंड में होता है कि भाई होगा कैसे नहीं। देखो शुरुआत में जब बच्चा होता है तो उसके अंदर जोश होता है कि भैया हो जाएगा मेरा, मैं पढ़ूंगा, मेरे तो भैया 90% आए थे, मेरे 95% आए थे। लेकिन मैं तुमको एक बात ये भी बताऊंगा, अगर सारे 95% वाले बच्चे ले लिए जाएं, सारे 95% वाले बच्चे भी ले लिए जाएं पूरे इंडिया से, तो भी इतनी सीट्स नहीं हैं IIT JEE में कि उनका सिलेक्शन हो सके। ये भी एक डार्क रियलिटी है जो तुमको शायद ही कोई बताएगा। अगर जितने भी बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं सभी 95% से ऊपर वाले बच्चे ले लिए जाएं और उन सबको अगर हम IIT की सीट देना स्टार्ट करें वन बाय वन, तो सीट्स कम पड़ जाएंगे लेकिन बच्चे कम नहीं पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो एंट्रेंस एग्जाम बनाया इसलिए जाता है कि उसमें क्या है 78% वाला ही बैठ सके, 79% वाला ही बैठ सके, 85% वाला ही बैठ सके, 90% वाला ही बैठ सके और 95% वाला ही बैठ सके। और उसके बाद जो कंपटीशन में आगे निकलता है, जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाता है, अच्छी रैंक लाता है, फिर वो IIT की तरफ जाता है। कुछ बच्चे का अगर मार्क्स वगैरह कम रह जाते हैं तो वो फिर क्या करते हैं NIT तरफ जाते हैं। तो ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप क्या है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोटा जा रहे हो तो पहले सारी चीज़ों को समझ लो उसके बाद ही ज्वाइन करो। और देखो सिलेक्शन तो तुम कहीं से भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हर इंसान चाहता है कि भाई अगर उसको मौका मिल रहा है अच्छी जगह जाने का, अच्छी जगह से पढ़ने का, और उसका अगर बजट अफोर्ड करता है तो डेफिनेटली उसको ऐसा मौका ऐसा चांस बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए, उसको उस चांस को क्या ले लेना चाहिए, वहाँ कोटा जाके पढ़ना डेफिनेटली चाहिए। और कुछ भी तुम्हारा डाउट होता है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।